नहाने से सिर्फ 5 मिनट पहले इसे अपने चेहरे पर लगा लीजिए। आपके चेहरे की सारी काली परत उतरकर आपके हाथ में आ जाएगी। Exactly. आज का मेरा ये DIY पैक आपके स्किन को लाइटन और ब्राइटन करेगा। ऐसा लाइटन और ब्राइटन करेगा कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। आपके स्किन के टेक्सचर को इतना अच्छा निखार देगा। इनफैक्ट गर्मियों की वजह से अगर आपकी स्किन पर सन बर्न, सन टैन हो गई है, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो गई है, काले दाग धब्बे, पिंपल, एक्ने की समस्या हो चुकी है, तो ये उनको भी रिड्यूस करेगा और साथ में आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करेगा। क्योंकि अगर हमारे पोर्स बहुत ज्यादा ओपन हो जाते हैं तो हमारा फेस बहुत ज्यादा डल पड़ने लगता है और दिखने में बहुत भद्दा लगता है। तो डोंट वरी, अगर आप इस पैक को लगाएंगे तो आई एम श्योर कि आपको गूगल पे कोई और पैक या कोई और रेमेडी सर्च ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे किचन में ऐसी चीजें अवेलेबल होती हैं जिनका इस्तेमाल अगर हम सही ढंग से करना सीख जाएं तो हमें मार्केट में मिलने वाली कोई भी क्रीम्स का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से सुनिएगा एंड तक, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो बहुत कुछ अपनी स्किन से खो देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस लाइटनिंग व्हाइटनिंग पैक को बनाना कैसे है और किन चीजों की जरूरत है। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आलू। आलू इस पूरी रेमेडी का हीरो है। आलू आपकी स्किन लाइटनिंग और व्हाइटनिंग का काम करता है, लेकिन शर्त यह है कि आपको इस रेमेडी को रोजाना लगाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेमेडी सुनते तो हैं लेकिन एक दिन लगाते हैं, दूसरे दिन आलस कर जाते हैं, तो वही आलस आपकी स्किन पर आपको इफेक्ट नहीं दिखा पाता। तो प्लीज इस बात को मेक श्योर कि आप कैलेंडर में डेट नोट कर लें, आज से इसको लगाना स्टार्ट करें और फिर देखें विद इन अ वीक में आपको कितना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक दिन भी स्किप नहीं करना। आलू को आपको पहले धो लेना है, उसको कट कर लेना है, इसका छिलका आपको नहीं उतारना, क्योंकि आलू में जो स्टार्च होता है वो हमारी स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग का काम करता है। इसमें आप आधा नींबू का रस ऐड कर लीजिए। नींबू क्या करता है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है और आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है। आपके जो फेस पर एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन हो रही है उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि गर्मी में जब हमारे फेस पर ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है तो हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं और उसकी वजह से पिंपल्स, एक्नी अपनी जगह बना लेते हैं हमारे फेस पर। और इसमें आधे नींबू का रस आपको स्क्वीज कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके इसका आप स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद आप इसको एक बाउल में निकाल लीजिए। उसमें आप ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन क्या करता है, आपके स्किन को डीपली क्लीन करता है, आपकी स्किन को लाइटन करता है, आपकी स्किन के टेक्सचर को सुधारता है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हनी। हनी आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, एक ग्लोइंग इफेक्ट देती है, जो आप कहते हैं ना आपका चेहरा बहुत डल हो गया है, मुरझा गया है, और साथ में आपकी स्किन पर एंटी एजिंग का काम करती है हनी। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा कोरियन स्किन केयर रूटीन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि आपकी स्किन को लाइटन और टाइटन इफेक्ट देता है। आप नोटिस करेंगे आपकी स्किन जो लटक सी गई है, ढीली सी पड़ गई है, आपकी स्किन धीरे धीरे फर्म होने लगेगी, टाइट होने लगेगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर बन जाएगी अगर आप इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे। तो इनको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको उसको थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ना, इमीडिएटली आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है नहाने से पहले। उसके बाद नॉर्मल पानी से अपना चेहरा धो लीजिए। चेहरा धोने के टाइम पे आपने साबुन का इस्तेमाल सेम डे पूरा दिन यानी नहीं करना है। उसके बाद आपको अपने फेस पर कोई भी मॉइस्चराइजर लगाना है। अगर कोई मॉइस्चराइजर सूट नहीं करता तो आप नॉर्मल एलोवेरा जेल लगाएं। उसके बाद कोई भी सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस पैक से जो मिलने वाला व्हाइटनिंग इफेक्ट है वो आपके चेहरे पर ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा और वो अपना इफेक्ट आपको नहीं दिखा पाएगा। उसके बाद आप मुझे कमेंट करिएगा कि एक बार के इस्तेमाल के बाद ही आपके चेहरे की रंगत क्या कह रही है आपसे। खुश रहें, स्ट्रेस मत लें और यूं ही मुझे प्यार देते रहें। प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट के थ्रू भी आप प्यार दे सकते हैं। मैं ऐसे ही हमेशा आपके लिए कुछ नया और बेहतरीन लाती रहूंगी, आपकी जिंदगी को और खुशनुमा बनाती रहूंगी। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। लव यू ऑल।